जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेटीएम बिजनेस अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे करेंगे। अगर आप पेटीएम बिजनेस अकाउंट से परेशान हो चुके हैं और आप उसे बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुबह चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने पेटीएम को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने पेटीएम को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे ऊपर आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन यानी कि आपके फ़ोटो का आइकन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी आपका पेटीएम का जो पेमेंट बैंक होता है उसका क्यूआर कोड आपके सामने शो हो जाएगा। अब इसके बगल में एक मर्चेंट का ऑप्शन है, मर्चेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे मर्चेंट का जो भी सेटिंग है, प्रोफाइल है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसमें आपको करना है, मर्चेंट का मतलब ही होता है कि बिजनेस अकाउंट। तो यहाँ पे मर्चेंट अकाउंट को इस वीडियोस में हम आप लोग को डीएक्टिवेट करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि कोई भी अपने मर्चेंट यानी कि बिजनेस अकाउंट को डीएक्टिवेट क्यों करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटलमेंट सेटिंग, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सेटलमेंट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट सेटलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे मर्चेंट भाई अपने बिजनेस अकाउंट को बंद क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पेटीएम पोस्टपेड से यहाँ पे 10,000 रुपया रिसीव किया है, वो मेरा सेटल कितना हुआ है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि 9640 रुपया और 18 पैसा मुझे जो है यहाँ पे रिसीव हुआ है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे मुझे जो है देख सकते हैं ये डिटेल खुल के आ चुका है, सेटलमेंट या पे रिसिप्ट 10,000 मैंने कलेक्ट किया और यहाँ पे देख सकते हैं -359.82 रुपया ये मेरा कट हो चुका है। और मेरा जो है एक देख सकते हैं यहाँ पे साउंड बॉक्स वन रिटर्न यहाँ पे 125 रुपये वो भी काट लिया गया है, यानी कि 359.82 रुपया ये मुझे चार्ज काट लिया है और यहाँ पे साउंड बॉक्स है 125 रुपया काट लिया है और 234 रुपया जो है मुझे पेटीएम चार्ज काट लिया है। तो इस तरीके से ये जो है चार्ज काटते हैं और उसी में हमें देखें कितना पेमेंट जो है दिया है, 9640 रुपया मुझे इन्होंने पेमेंट रिसीव दिया है। तो इस तरीके से बहुत सारे मर्चेंट है वो परेशान हो चुका है, जिसके कारण से वो लोग अपने मर्चेंट अकाउंट को बंद करना चाहते हैं यानी कि बिजनेस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं। तो यही रीज़न होता है सभी मर्चेंट भाई अपने बिजनेस अकाउंट को बंद करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से आप अपने बिजनेस अकाउंट को बंद कर पाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में देख सकते हैं कि आपको साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड, यहाँ पे फोटो क्यूआर कोड, पेमेंट लिंक, इस तरीके का ऑप्शन शो हो जाएगा। उसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस बिजनेस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप बिजनेस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा, यानी कि शॉप नेम, आपका नाम, आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस, आपका नाम क्या है, वो सारा यहाँ पे, ईमेल आईडी, आधार नंबर सारा शो हो जाएगा। सबसे नीचे में एक ऑप्शन है डीएक्टिवेट माय अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ देर वेट कर लेना है और आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कलर में डीएक्टिवेट ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस रीजन से अपने मर्चेंट अकाउंट को जो है आप बंद करना चाहते हैं, उसका रीज़न यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे अपना रीज़न जो है डाल सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाले रीज़न में नहीं समझ में आता है तो अदर रीज़न डाल के आप बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी मर्चेंट जो है वो बंद करता है, उनका जो कमीशन है, इशू जो होता है, इशू विथ कमीशन चार्ज, वो जो है बहुत ज़्यादा काटता है कमीशन चार्ज। तो यहाँ पर हम आपको करेंगे क्या, यहाँ पर कमीशन चार्ज वाला ऑप्शन पे
क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पोस्टपेड अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे अनलेबल टू डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे वी आर सॉरी टू सी यू गो, योर रिक्वेस्ट विल बी प्रोसीड विद इन 2 वर्किंग डे, यानी कि आपका 2 वर्किंग डे में जो है अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। हालांकि तुरंत ही हो जाता है, तो यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको करना क्या है, बैक आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएक्टिवेट अकाउंट हो चुका है। अब डीएक्टिवेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं माना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।